कैसे आप सब फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज लेके आए हैं। वो फिनो पेमेंट्स बैंक से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक का CSP चला रहे हैं, ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट चला रहे हैं, और आप फिनो पेमेंट्स बैंक का अगर कस्टमर हैं, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत खुशी का एहसास होने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि फिनो पेमेंट्स बैंक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया हुआ है। वो अपडेट ये है कि फ्रेंड्स, अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि फिनो पेमेंट्स बैंक का जो कस्टमर होता है, सेविंग अकाउंट जो हमारे यहाँ खुलवाता है, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। मतलब सरकारी योजना जो है, आधार कार्ड से जो पेमेंट आता है, बहुत सारा सब्सिडी मिलता है, वो नहीं मिलता था। वो कुछ दिन पहले से मिलना स्टार्ट हो गया। आधार कार्ड वाला जो आधार से जो पेमेंट आता था सब्सिडी, वो मिलना शुरू हो गया था पिछले महीने से ही। लेकिन फिर भी कुछ और सरकारी योजना है जो डायरेक्ट अकाउंट पे सब्सिडी देता है और अलग अलग सुविधा गवर्नमेंट का होता है, वो नहीं मिल पा रहा था। तो अब जो है फ्रेंड्स, ये मिलना शुरू हो गया है। इसका जो है मेल हमको आज आ चुका है। उस मेल को आपको हम पढ़ के दिखाएंगे, इस वीडियो में सुनाते हैं और दिखाते भी हैं वो मेल आपको। और इस मेल को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको बहुत खुशी होने वाला है, अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक से जुड़े हुए हैं तो फ्रेंड्स। तो चलिए इस मेल को देखें और पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यही इमेज जो है हमारे मेल में आया हुआ है फिनो पेमेंट्स बैंक के तरफ से। फिनो पेमेंट्स बैंक अब PFMS वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो वेबसाइट है इस पे हमारा अब उपलब्ध है। अब इसके बारे में देखिए, परिचय भी दिया हुआ है इसमें, डिटेल में बताया भी है। PFMS का अर्थ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। PFMS प्रणाली भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित है। इस प्रणाली द्वारा लाभार्थियों के बचत खातों में सब्सिडी या लाभ डिजिटली ट्रांसफ़र होते हैं। हमारे देश में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित कई DBT योजनाएं संचालित हैं। इन सभी योजनाओं को देश के सभी बैंकों में PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली के माध्यम से सरकार से लाभार्थी के बचत खातों में G2P में ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब जितना भी फ्रेंड्स योजना सरकारी लाभ का मिल नहीं रहा था अभी तक, वो अब मिलना शुरू हो जाएगा एक सिंगल वेबसाइट पे आने से। और ये भारत सरकार का जो है वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये भी समझिए। PFMS फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए PFMS के साथ हमारे एकीकरण का मतलब है कि PFMS वेबसाइट पर फिनो पेमेंट्स बैंक दिखाई देता है। केंद्र और राज्य सरकार के सभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत, जिला अस्पताल जैसी एजेंसियों, हमारे बचत खाता ग्राहकों को इन सभी योजनाओं का हस्तांतरण शुरू करने के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक का नाम PFMS वेबसाइट पर देख सकती हैं। अब पहले से नहीं दिख रहा था फ्रेंड्स, किसी वेबसाइट पर दिखता ही नहीं था फिनो पेमेंट्स बैंक का नाम, अब दिखने लगेगा। तो इससे बेनिफिट्स आपको मिलेगा जो हमारे कस्टमर हैं। जैसे ही इन योजनाओं का लाभ फिनो पेमेंट्स बैंक के खाते में जमा होना शुरू हो जाएंगे, वैसे ही हमारे ग्राहकों को के बचत खाते में जमा मासिक औसत बैलेंस में वृद्धि होगी और हमारे खाते के साथ ग्राहक का जुड़ाव बढ़ेगा। तो इससे बेनिफिट्स हमारे CSP संचालकों को भी होगा फ्रेंड्स। फिनो पेमेंट्स बैंक के ग्राहक के लिए क्या बेनिफिट्स है वो भी देख लीजिए। बचत खाता लाभार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनका बैंक PFMS वेबसाइट में क्रमशः केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए दिखाई देते हैं।
दिखाई दे। अब इससे पहले दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई देना जरूरी होता है, जबकि अब देने लगेगा दिखाई सभी जितना भी योजना है उसके पोर्टल पे। अब तक PMFS प्लेटफॉर्म पर फिनो पेमेंट्स बैंक दिखाई नहीं दे रहा था फ्रेंड्स। अब इस एकीकरण के बाद फिनो पेमेंट्स बैंक के बचत खाता ग्राहक अपने बचत खाते का विवरण एजेंसियों के प्रत्यक्ष रूप से DBT लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदान कर सकता है। DBT लाभ की सुविधा देने वाली एजेंसियां FBP ग्राहकों को भी लाभ आवंटित करने में सक्षम होगी, क्योंकि FBP नाम PMFS के वेबसाइट पर दिखाई देता है, अब सभी पोर्टल पर दिखने लगा है फ्रेंड्स। तो जितना भी सरकारी योजना है उसका लाभ अब मिलने लगेगा, इससे बैंक का रुतबा तो बढ़ेगा ही। जो हमारे CSP चलाते हैं वहाँ पर भी कस्टमर का आना बढ़ने लगेगा। और DBT जो है आधार से जो मिल रहा था फ्रेंड्स हमारा सब्सिडी, उसमें पहले हमारे CSP के द्वारा ही जो है ना सीडिंग, आधार सीडिंग के जरिए हो जाता था। हम प्रत्यक्ष रूप से प्रिंट करके जैसे गैस एजेंसी वगैरह में नहीं दे पाते थे, अब प्रिंट करके हम अपना पासबुक जो है डिजिटल पासबुक जो मिलता है उसको प्रिंट आउट करके भी हम वहाँ देंगे, वहाँ भी ऐसे भी हम वहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ पे भी दिखेगा, वहाँ भी आप डायरेक्ट करवा सकते हैं। अब आसान भी प्रोसेस हो गया है, आधार से भी जो हो रहा था 1 महीना पहले से स्टार्ट हुआ था वो भी अपने से पहले होता था, अब जो CSP चलाता था वो अपने से करके दे रहा था सीडिंग करके आधार, तो उसमें सभी को जानकारी नहीं था। अब जो है ना सब खुद अपने से कस्टमर प्रिंट करके, गैस सब्सिडी यदि लेना चाहते हैं तो गैस एजेंसी में प्रिंट आउट करके दे सकता है, वहाँ भी अब दिखने लगा है। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। अब इसका लिंक देखिए, PMFS का लिंक है www.pfms.nic.in। बैंक पोस्ट ऑफिस पर क्लिक करें, बैंक का नाम पोस्ट ऑफिस का नाम दर्ज करें, ये जो तरीका दिखाया है एक स्क्रीनशॉट है फ्रेंड्स PMFS का वेबसाइट का। महत्वपूर्ण नोट को भी एक बार पूरा देख लें। केंद्र सरकार के स्तर पर PMFS एकीकरण के बावजूद राज्य सरकार की योजनाओं के लिए परिदृश्य हो सकते हैं कि आपका नाम एजेंसियों के प्लेटफॉर्म पर दिखाई ना दे रहा हो। अगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, उस एजेंसी का नाम जो DBT की सुविधा दे रही है, DBT योजना का नाम, ब्लॉक, जिला और राज्य का नाम, पिन कोड, इतना डिटेल आपको मेल जो ये दिख रहा है फ्रेंड्स kozeme.h@finobank.com इस पे भेजना है। जिसका नहीं भी है वो भी दिखने लगेगा फ्रेंड्स। इसका लिंक हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और मेल भी दे देंगे जिस पे आपको भेजना, और PFFS का जो है वेबसाइट लिंक ये भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक भी करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती राय भी जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन सुन के आपको खुशी हुआ या नहीं हुआ ये भी ज़रूर बताएँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।